हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर सहा, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मैं अभी कोरोना चुनाव और पढ़ाई लिखाई यानी स्कूल कॉलेज कोचिंग से रिलेटेड एक कॉमेडी, एक चुटकुल्ला प्रस्तुत करूंगा। आप लोग इसको बहुत से बहुत अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा और सभी लोगों तक पहुँचाइएगा, ठीक है। सुनिए, कहता है कि जहां चुनाव होता है, जहां रैली होता है, जहां लोगों का भीड़ जमा होता है, हटिया लगता है, बाजार लगता है, वहां कोरोना कभी नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार की नजर में कोरोना एक आदमी है। तो सरकार की नजर में जब कोरोना एक आदमी है तो सरकार चुनाव करेगी, रैली करेगी, भीड़ करेगी, तो वहां पर आदमी के ऊपर में आदमी रहेगा, तो कोरोना वहां जाने से डरेगा, क्योंकि यदि वहां कोरोना चल भी गया तो दब के मर जाएगा। यानी जहां भीड़ होगा, जहां रैली होगा, वहां कोरोना कभी भी डर से नहीं जाएगा, और यदि चल भी गया तो दब के मर जाएगा। कोरोना जाने से डरेगा, कोरोना जाएगा ही नहीं, किसी व्यक्ति को कोरोना होगा ही नहीं, इसीलिए सरकार रैली करती है, चुनाव करती है, भीड़ जमा करती है, हटिया बाजार सब लगाती है, क्योंकि वहां भीड़ है, उस भीड़ में कोरोना जाएगा ही नहीं, क्योंकि सरकार की नजर में कोरोना एक आदमी है, ठीक है। इसके विपरीत स्कूल कॉलेज कोचिंग में सभी शिक्षित लोग रहते हैं, सभी शिक्षित लोग अपनी आर्थिक क्रिया को करते हैं, यानी स्कूल में कॉलेज में कोचिंग में सभी टीचर सभी बच्चे शिक्षित हैं, तो यहां पर कोरोना नियम का पालन होता है। सभी बच्चे सभी टीचर मास्क पहनते हैं, 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं। तो फिजिक्स का लैंग्वेज में कहता है कि जब 2 गज का दूरी होगा, 6 फीट का दूरी होगा, तो फिर कोरोना घुसने का जगह मिल जाएगा ना, तो कोरोना आराम से एंट्री कर जाएगा। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद है, क्योंकि जब स्कूल कॉलेज कोचिंग खुलेगा तो यहां पर शिक्षित लोग कोरोना नियम का पालन करेगा, मास्क पहनेगा, तो जब 6 फीट की दूरी होगा, 2 गज की दूरी हम लोग मेंटेन करेंगे सभी शिक्षक और बच्चे, तो कोरोना घुसने का टाइम मिल जाएगा ना, कोरोना घुसने का जगह मिल जाएगा ना, और कोरोना घुस जाएगा हम सभी को, बच्चों को, शिक्षकों को कोरोना हो जाएगा। इसीलिए सरकार कहती है कि स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद रखो, लेकिन चुनाव में कोई रोक नहीं है, क्योंकि चुनाव होगा तो भीड़ होगा, और भीड़ होगा तो लोगों का जमावड़ा होगा, और कोरोना डर से नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना यदि आ भी गया तो दब के मर जाएगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार को लगता है कि कोरोना एक आदमी है, रैली करेंगे भीड़ करेंगे तो कोरोना डर से नहीं आएगा, कोरोना डर से घर से निकलेगा ही नहीं, आएगा तो दब के मर भी जाएगा, और कोरोना को घुसने का जगह ही नहीं मिलेगा, क्योंकि रैली में आदमी के ऊपर आदमी होता है। आप तो रैली में गए भी हैं, आपको तो पता भी है कि रैली में क्या होता है, पूरा भीड़ होता है, आदमी के ऊपर आदमी होता है, कोई जगह नहीं है, तो कोरोना कहां से घुसेगा, क्योंकि सरकार की नजर में कोरोना एक आदमी है, ठीक है। फिर देखिए, वही स्कूल कॉलेज में सभी बच्चे टीचर 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे, तो जब कोरोना घुसने का जगह वहां पर ऑलरेडी है ही, तो स्कूल कॉलेज में कोरोना जाएगा नहीं, घुसेगा नहीं, इसीलिए सरकार कहती है कि स्कूल कॉलेज बंद रखिए और चुनाव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होगा, भीड़ होगा, कोरोना डर से नहीं आएगा, स्कूल कॉलेज खुलेगा, 2 गज की दूरी, 6 फीट की दूरी मेंटेन करेगा शिक्षक लोग, बच्चे लोग, सब शिक्षित लोग हैं, यहाँ पर कोई बुड़बक तो है नहीं जो मास्क नहीं पहनेगा, 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं करेगा, सबको मेंटेन करेगा। जब बच्चों के बीच, शिक्षकों के बीच 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी होगी, तो कोरोना घुसने का जगह मिल जाएगा, और कोरोना आराम से घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, और व्यक्तियों को, मतलब शिक्षकों को और बच्चों को कोरोना हो जाएगा, ठीक है। कैसा लगा मेरा यह चुटकुल्ला, आप सभी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और हमें बताइएगा।